वेलकम बैक गाइस। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर हम इमेजेस के साथ में कैसे वर्क कर सकते हैं, मतलब इमेज को एडिट कैसे कर सकते हैं, या उसके अंदर टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं, या फिर कहें हम इमेज को रोटेट वगैरह करना हो, इसमें कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस वगैरह चीज़ें कंट्रोल करनी हो, ठीक है, इमेज को ब्लर करना हो, नहीं ऑल दैट थिंग्स। तो यार ये सब चीज़ें करने के लिए, इमेज के अंदर मैनिपुलेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथन में पिलो लाइब्रेरी का, ठीक है। तो अगर आप देखें, हेयर वी हैव द विकिपीडिया पेज ऑफ पिलो पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी। तो पुराने वर्जन्स में ये PIL यानी पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी, और जो न्यूर वर्जन है 3 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, ये हमारे हैं, यहाँ पे हम इसी PIL लाइब्रेरी को पिलो बोलते हैं, ओके। लेकिन जब इसे इम्पोर्ट करेंगे तो PIL को ही इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, सिर्फ नेम चेंज हुआ है, ओके ओके। नाउ इसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, सो हियर कैन सी इट कि पर पिक्सल मैनिपुलेशंस कर सकते हैं एंड मास्किंग कर सकते हैं, मतलब लेयर्स डाल सकते हैं इसके ऊपर से, ठीक है, इमेज फिल्टर, इमेज को ब्लर कर सकते हैं, कंटोरिंग, काउंटरिंग क्या है यार ये मुझे नहीं पता, ठीक है, स्मूथ कर सकते हैं, एज फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा हम उसके अंदर बताया था मैंने कि कंट्रास्ट डाल सकते हैं, कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल दैट थिंग्स, राइट। एंड लास्ट में है एडिंग टेक्स्ट टू इमेजेस, ओके, तो हम इमेज के ऊपर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी चीज़ें जो हम कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि थ्योरी मेरे समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो हमें इस पेज को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में हम अपने प्रोग्राम वाले पेज पे आ जाएंगे। तो पिलो को यूज़ करने से पहले हमें जो मॉड्यूल इंस्टॉल करना है दैट इज़ पिलो, ओके। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल PILLOW, ठीक है, हेयर आई एम गोइंग टू यूज़ pip3 क्योंकि मेरे में दोनों वर्जन इंस्टॉल हैं पाइथन के, बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात, ठीक है। सो जस्ट प्रेस एंटर, आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड एक्चुअली ज़्यादा हो गया, एक्चुअली आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, दैट्स ऑल। तो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ये 2 MB के आसपास में है पैकेज, तो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए वो डाउनलोडिंग प्रोसेस वगैरह यहाँ पे शो नहीं हुई, ओके। जैसे कि मैंने कहा था कि नाम पिलो है मॉड्यूल का, इसका मतलब ये नहीं कि हम पिलो को ही इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम इम्पोर्ट करेंगे PIL को। तो इसी पिलो मॉड्यूल जो हमने इंस्टॉल किया है इसके अंदर PIL नाम से है ये, ठीक है, तो फ्रॉम PIL पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी इम्पोर्ट इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इमेज के साथ में वर्क करेंगे, इमेज को ओपन कैसे करना है और ओपन करके उसको शो कैसे करना है, उसके अलावा हम और चीज़ देख लेंगे अभी क्या क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस को डाल रखा है अपने इस फोल्डर के अंदर, तो आपके अगर किसी और फोल्डर के अंदर फाइल्स वगैरह पड़ी हैं तो आप उसका पूरा पाथ दे सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं इस फाइल का खाली नाम दूंगा, तो डजेंट मैटर, थोड़ा इजी करने के लिए मैंने इसे इसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही डाल लिया है। तो फर्स्ट वी हैव अ क्यूट फोटो, यस शी इज़ क्यूट, एक्चुअली मैंने इसकी दूध की बॉटल साइड में पकड़ ली थी तो उसका उधर ध्यान था, ठीक है, शी इज़ मनरीत, माई मामा जी की लड़की, ओके। सेकेंड वी हैव हेयर फ्लावर, ओके ओके, और थर्ड वी हैव अ स्माइलिंग पिक्चर, देखेंगे आप, हेयर आई एम, तो ये है मेरी स्माइल, ओके। सो हमें क्या करना है कि इसमें कोई भी एक पिक्चर को हम लोड करेंगे, ओके, हेयर आई एम गोइंग टू लोड इट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे आई एम जी नाम से, ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इमेज डॉट ओपन, ठीक है, हमने इमेज को यहाँ पे इम्पोर्ट किया था तो उसी के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम। तो ओपन के अंदर हम पास करेंगे हमारी फाइल का नाम, तो फाइल का नाम में हम यहाँ पे लेट्स से क्यूट डॉट PNG को मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ओके। इतना करने के बाद में आप जस्ट यहाँ पे img डॉट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शो मेथड क्या करेगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट इमेज वाला वो होगा ना एप्लीकेशन जिसके थ्रू डिफ़ॉल्ट इमेजेस ओपन हो रही हैं, तो उसी के थ्रू आपकी इमेज को ओपन कर देगा, क्योंकि यार कमांड प्रॉम्प्ट पे तो अब इमेज ओपन होगी नहीं क्योंकि वहाँ तो खाली टेक्स्ट आ सकता है, राइट। सो लेट्स रन इट, मैंने इसे रन किया तो ये डिफ़ॉल्ट के थ्रू ओपन हो गया। अगर आप यहाँ पे बात करें नाम की, यहाँ पे नाम क्या था हमारा, क्यूट, यहाँ पे हमारा नाम क्या है TMPQ वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो एक टेम्परेरी नेम है ये, कोई हमारा परमानेंट नेम नहीं है, अगर आप चाहें तो किसी भी नेम से इसे सेव कर सकते हैं। तो बस इतना बताना था कि यार ये जो इमेज है ये अलग है और जो हमने यहाँ पे ये दी है क्यूट डॉट PNG ये अलग है, ठीक है, क्योंकि अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, IMG ऑब्जेक्ट है, अगर से आप सेव करना चाहें नए नाम से तो वैसे भी कर सकते हैं, ओके। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है लाइक साइज़ क्या है, फॉर्मेट क्या है, उन सबको प्रिंट करते हैं वन बाई वन, ओके। तो
तो सबसे पहले तो प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे img.height, जिससे हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। रन किया, ओके 578, दैट्स गुड। देन वी आर गोइंग टू प्रिंट इट्स विड्थ, ओके। और तीसरा हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रिंट img.size, रन किया तो हमको हाइट और विड्थ दोनों मिल जाएंगी, अलग अलग फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर हम चेक करना है कि किसका एक्सटेंशन क्या है या इसका फाइल फॉर्मेट क्या है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं प्रिंट img.format, ओके। और इसे रन करेंगे तो हमारा फॉर्मेट मिल गया, यहाँ पे PNG है। आई थिंक ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ऐसे कुछ इसकी फुल फॉर्म है, आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर इट। अगर इसी q.png की जगह पे हमारी flower.jpg फाइल होती तो हमारा जो फाइल फॉर्मेट था वो यहाँ पे शो होता है जेपैग, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे देखेंगे क्या क्या करना है। ओके, बाय बाय।